और ये है 20 रुपीज़ की सैफरन टी, और अभी देखते हैं शुगर डलवाई है थोड़ी सी। अरे मैडम छपड़ा बड़ा टेस्ट। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, तो होपफुली आप अच्छे होंगे। आज वीकेंड है तो मैं आया हूँ यहाँ पे कुछ आपको नई चीज़ दिखाने के लिए। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर तो जो कि दिल्ली में हर साल लगता है और इस साल भी लगा है, तो मैंने सोचा कुछ मैं जाऊँ और आपको भी दिखाऊँ कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे, कुछ नई चीज़ें। जगह जगह से लोग, इंडिया से, अलग अलग प्रांत से और डिफरेंट कंट्री से लोग आते हैं यहाँ पे, और जो स्टॉल्स लगते हैं, अलग नई चीज़ें जो हैं यहाँ पे मिलती हैं, दिखती हैं, तो ये दिखाएंगे आपको। और चलिए चलते हैं। ये है पार्किंग, यहाँ पे जो पार्किंग का रेट मैं आपको बता दूँ कि 170 रुपीज़ पार्किंग चार्जेस हैं। उसमें आप सुबह आ जाओ तो शाम तक रात के 10 बजे तक आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। गेट नंबर 1 के बिल्कुल सामने है, गाड़ी पार्क करके आपको थोड़ा सा 100-200 मीटर रोड क्रॉस करके जाना पड़ता है दूसरी तरफ, तो वहाँ पे मेन गेट है, गेट नंबर 1 प्रगति मैदान का, जिसमें कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा हुआ है। अभी जो फर्स्ट 5 डेज होते हैं वो बिजनेस डेज होते हैं, तो उसमें आपको 500 रुपीज़ की टिकट पड़ती है, और बच्चों के लिए और जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए टिकट जो है ये फ्री रहती है, बट उनको आईडी दिखाना पड़ता है। तो आप ये टिकट बुक माई शो या फिर मेट्रो स्टेशन से भी ले सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स का फूड भी आप एंजॉय कर सकते हो, और भी कई नई जो चीज़ें हैं वो देख सकते हो। और ये पार्किंग है, देखिए कितनी ह्यूज पार्किंग है ये प्रगति मैदान की। के सामने मेरे पीछे जो है वो रोड है, रोड क्रॉस करके वहाँ पे प्रगति मैदान की एंट्रेंस है, गेट नंबर 1। तो चलते हैं। ये है एंट्रेंस गेट नंबर 1 है, जो कि एल्डर जो एज लोग हैं वो यूज़ कर सकते हैं बाहर से अंदर आने के लिए, इस तरह की कार्ड से। हैंडीक्राफ्ट्स और यहाँ पे ये शूज़ हैं, शूज़ आप ले सकते हो, कोलकाता के हैं, और ये जूट से बना हुआ मटेरियल, ये बैग्स हैं और टिफिन बॉक्स है, यहाँ पे एक जूस भी मिल रहा है। ये हैंडीक्राफ्ट की शॉप है, सारे जूट से बना हुआ सामान है, और ये डिफरेंट छोटे छोटे प्रांत जो हैं इंडिया के वहाँ से लोग आते हैं ये बनाने के लिए, जूते, चप्पल और इस तरह के बैग हैं। अभी इसके बाद मैं हॉल के अंदर एंटर करूंगा, तो हॉल के अंदर देखते हैं कि हॉल के अंदर क्या क्या चीज़ दिखती है। ये है गंगोत्री के राजमा, और ये देसी राजमा है, लोकल होते हैं ऊंचे पहाड़ों पे, और बहुत ही टेस्टी और यम्मी राजमा होते हैं, ये ट्राई कर सकते हो उत्तराखंड वाले स्टोर से। लोहे की कढ़ाई है, और उससे पिछली बार में जो थे हम, तुम ये उत्तराखंड वाले हैं बैठते हो क्या? जी हां, उत्तराखंड वाले। ये सरस हॉल है, तो यहाँ पे सारे क्राफ्ट्स और लोकल जो हैं फेमस अचार, चटनी, मसाले, इस तरह की चीज़ें जो हैं, स्टेंसिल्स हैं, इसके थ्रू प्लास्टिक स्टेंसिल्स हैं, इसमें आप रंगोली बना सकते हो, साथ में कलर्स भी हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और इसमें देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और ये सबसे पहले तो ट्रॉलीज आ गई हैं, ट्रॉलीज और कुछ और घरेलू यूज़ का सामान और कपड़े वगैरह नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ये बहुत सुंदर ये लाइट्स हैं जो अंदर काफ़ी कपड़े का बना हुआ है और अंदर लाइट है, तो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। ये मीनाक्षी इंटरनेशनल सूट्स एंड लेडीज सूट्स, इसमें काफ़ी सुंदर सुंदर सूट्स लग रहे हैं। तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी सारे हॉल नहीं बने हैं, तो ये बन के 2-3 साल लगेंगे, तो बनने आप बन जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अभी ये पुराने वाले हॉल ही जो थे वो यूटिलाइज कर रहे हैं, उसी के अंदर लगा हुआ है, और काफ़ी ठीक है, मौसम भी अच्छा है आज का, तो इसलिए अच्छा लगा। फूड कोर्ट भी है यहाँ, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल है,
आप किसी भी स्टेट का फूड यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। झारखंड का, राजस्थान का सारे फूड यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये चीज़ें हैं, हलवा है, लिट्टी चोखा और उसकी मावे की कचौरी। तो ये चीज़, ये है लिट्टी चोखा। अरे मैडम छपड़ा वाला टेस्ट। ये लिट्टी चोखा है बेच रहे हैं। तो ये बिहार का प्रसिद्ध फूड है लिट्टी चोखा। पाव भाजी है बॉम्बे की। ये कुछ चाइनीज़ फूड लग रहा है, छोले भटूरे हैं। और ये कुछ नॉन वेज मछली वछली बन रही है, केरला की। ये पता नहीं क्या चीज़ बना रहे हैं यहाँ पे, इस तरह का कुछ नॉन वेज ही लग रहा है। झारखंड का फूड है और यहाँ कॉमन प्लेस है, आप यहाँ से कोई भी चीज़ ले सकते हो, टोकन ले सकते हो और आप अपना यहाँ पे बैठ के आराम से इंजॉय कर सकते हो। ये पाव भाजी आ गई, ये चीला है और ये कुल्लड़ वाली चाय। तो यहाँ पे ये कुल्लड़ वाली चाय, इस तरह से कुल्लड़ वाली चाय मिलती है, इस तरह से कुल्लड़ वाली चाय मिलती है आपको। ये देखिए बनती है ये लिट्टी। वेज है ना, वेज वेज ही है ना, ये वेजिटेरियन। ये वेज ही होता है, इसको बना के अच्छे तंदूर में सेक के उसके बाद में ये देसी घी में डिप कर देते हैं और फिर उसको बैंगन और प्याज के सब्जी के साथ में सर्व करते हैं। और ये मालपुए हैं। ये राजस्थान का काउंटर, यहाँ पर कचौरी, कड़ी और हलवा मूंग दाल का, इस तरह की चीज़ें मिल सकती हैं। और ये है काउंटर बेलबूजी का। ये पैसे अभी थोड़ी धूप है और ये ट्रॉपिकाना का मिक्स फ्रूट जूस पीते हैं। बहुत सुंदर क्लियर स्काई है और ये लोग देखिए ऐसे रेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग खाना खाते हुए और कुछ लोग अंदर जा रहे हैं, कुछ शॉपिंग करके वापस जा रहे हैं। तो ये 2:30 बज चुके हैं इस समय दोपहर के, और चलते हैं ये अगले हॉल। ये हॉल नंबर 10, सॉरी 10 और 11 है हॉल नंबर। इसके अंदर थोड़ा रश ज़्यादा लग रहा है मुझे। ये इस समय कुछ बैग्स हैं लेडीज़ का, कुछ सामान है। और ये है अफ़गानिस्तान ड्राई फ्रूट वगैरह, अगर आपको लेना तो आप इस सेक्शन में आ सकते हो। ये इधर थाईलैंड है, ये थाईलैंड के हैं ये वाले काउंटर। ये मसाज, ये ऑयल है जो जॉइंट्स पेंस वगैरह के लिए काफ़ी इफेक्टिव रहता है। येलो ऑयल काफ़ी फेमस है थाईलैंड का, तो ये भी ले सकते हो अगर आपके कुछ जॉइंट्स वगैरह में पेन है तो। और ये कुछ गर्ल्स के टॉप्स, इस तरह का चीज़ है। ये अफ़गानिस्तान, इराक, काबुल। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट एलिमेंट्स आपको मामरा गिरी और किशमिश और जितने तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे आपको इस सेक्शन में, इस एरिया में। ये हॉल नंबर 10 और 11 में है, तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा सारा कुछ। तो इस तरह के काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ड्राई फ्रूट यहाँ पे मिलते हैं। तो मैं तो हर बार यहाँ पे मामरा लेके जाता हूँ। तो ये किशमिश है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स हैं यहाँ पे। खजूर खाना है, तो खजूरें हैं, इलायची है और अलग अलग तरह के मसाले जो भी जिस जगह के फेमस है। लद्दाख का या फिर काबुल अफगानिस्तान, तो वहाँ का जो फेमस है जो चीज़ है यहाँ पे आपको मिलती है। तिब्बत का स्टॉल, तो यहाँ पे तिब्बत के स्टॉल में आपको शॉल और इस तरह की चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट जो है ये आपको मिलते हैं। ये है दुबई का सेक्शन, यहाँ पे गोल्ड की सारी चेन्स और गोल्ड के ये है ज्वेलरी। ये है गुलबंदी गिरी ब्लैक किशमिश, ये गंदारी किशमिश। गुलबंदी है ये किंग लिमिटेड, इसका हनी जो है प्योर हनी होता है और ये भी अफगानिस्तान का है, को प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पे सैफरन और हनी जो इस तरह की। ये जो है ये किंग्स हनी, ये काफ़ी लास्ट टाइम भी यूज़ किया था, काफ़ी अच्छा हनी है ये। और ये मेरे ख्याल में इसमें कुछ और सैफरन हनी है ये वाला, तो दो तरह के। ये सैफरन है 300 रुपीज़ का। How
और ये है 20 रुपीस की सैफरन टी, और अभी देखते हैं मैं शुगर डलवाई है थोड़ी सी। आज जला चुका हूँ मैं, इससे कोई पीता हूँ, देखता हूँ टेस्ट कैसे उसका। ये अफगानिस्तान वाले से सैफरन, ये सारा था अफगानिस्तान थाईलैंड, और अब चलते हैं नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट हॉल के अंदर। तो 10-11 हॉल कर लिया है, उसके बाद 12-13 जो भी नेक्स्ट हॉल है उसमें चलते हैं और दिखाते हैं। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट खा लिया है, सैफरन टी पी ली है, और अब नेक्स्ट। और ये है जुनैद परफ्यूम्स, तो यहाँ पे 1910 का ये है कंपनी। तो यहाँ पे सारे परफ्यूम जो अरेबिक परफ्यूम्स हैं वो हैं सारे अवेलेबल तरह के। तो यहाँ पे परफ्यूम परचेज कर सकते हो, ये हॉल नंबर 910 में है अभी। तो यहाँ से शॉपिंग बैग ले सकते हो, और जो थाईलैंड वाला है और ज्वेलरी है और पेन के लिए, या फिर हेडेक है आपको, स्किन पेन है, एक्ने है, उसके लिए यहाँ पे ऑयल्स हैं इनके पास में, तो वो भी ट्राई कर सकते हो, ले सकते हो। तो इस तरह की डिफरेंट वैरायटी है यहाँ पे हॉल नंबर 9 और 10 में। बर्तन है यहाँ पे सिल्वर कांसे के, और स्टोन का यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टोन का जो सामान जो है मिलता है। सनी सऊदी सूट्स, इस तरह की मीनाकारी हुई है इसमें, बहुत सुंदर लग रहे हैं, काफ़ी कॉस्टली हैं लेकिन ये। और जो मीना जो तिल्ला लगा हुआ है उसके ऊपर, उसकी वजह से जो है ये कॉस्टली हो जाता है सूट। अगर कपड़ा जो है वो तो रेगुलर कपड़ा लगाते हैं। बहुत ब्यूटीफुल लाइट्स हैं घर में लगाने के लिए। मेड इन कोरिया लिपस्टिक्स 700 ओनली। ये है फ्लावर्स वाली शॉप, तो बहुत सुंदर फ्लावर्स हैं। बहते हुए पानी भी लगा दो, बहते हुए पानी का लीकेज बन गया। तो ये इससे आप कुछ भी लोहा लकड़ी और कुछ भी चीज़ जोड़ सकते हैं। 60 किए गए 100 की टूट, साल दो साल 10 साल लखनऊ करने का भी खराब नहीं, कोई एक्सपायर। आज बिजनेस डे है, संडे है, तब भी यहाँ पे आप देख सकते हो कैसा क्राउड है। तो नॉर्मल डेज़ में जब बिजनेस डे कंप्लीट हो जाते हैं उसमें फिर और ज़्यादा रश बढ़ जाता है। ये इस तरह के तंदूर है और ये कैंडी मेकर है। Name it again. So what is it? This we call Lebanon. Lebanon. Yes. Okay. Lebanese arroz. Okay. This we call Magdous. Magdous. Yes. Okay. This it is pickles.
pickles for of different fruit. Okay. Like this pickle. This is made up with the carrots. Yes, exactly. Not carrot. What do you call in Hindi? Shalgam. Shalgam. Okay. And this white cheese. So this is cheese. Yes, this white cheese. So this is a pickled one or the fresh different. Yes, different. Fresh cheese. There is this with water and salt. Okay. And this with olive oil. So how long you can keep this as it is? For 1 year. For 1 year? Yes. So is there any preservative? No preservative. Okay. So just cheese. It is only the olive oil. Olive oil. If you keep the pure olive oil. Yeah, great. If you keep pure olive oil, it will go for so this is made up of Iran? Jordan. Yes, okay. This is famous in Jordan. Yes, very famous. Okay. So what is it? Similar, it's pickles. Pickles? Yes, in different, in apple vinegar. Okay, with the vinegar. Yes. So that keeps it work as a preservative. We don't use any chemical. Oh, great. So this is not for sale, this is for promotion purposes. Yes, exactly. That's good. So anything in the card, we can go there and we can buy from there. Yes. Great. So what is it? This it is a Turkish delight. And this it is a mahmoud. Also it is a Jordanian sweet. Okay, so this is there any egg or meat something? No. All it is pure vegetarian. So no egg, no meat? No eggs, nothing. This it has inside dates. Okay, so what are the ingredients? Water, flour, butter, ghee, vegetable fat, sugar, water. This is just sort of biscuits? Yes. Okay. How much for this packet? This one? This for 500 rupees. 500? Yes. So what is inside this biscuit? This one. What is inside? Dates. Dates? Khajur. Khajur, okay. Yes. So give me one of this one. I'll try. So all this is Turkish delights. So you can see the Turkish delights. Very nice, and rose petals, something like that. ये राजस्थानी गजक और मुरमुरा और ये है कुछ मसूर पाक. ये मसूर पाक. मसूर पाक. ये मसूर पाक ये काफी famous है. Different flavors हैं. Pineapple. ये कुछ है ऑरेंज इस तरह के. ये इंपोर्टेड कॉटन ड्रेसेस हैं थाईलैंड की 500 रुपीस की. खाने का टाइम हो गया तो ये है खाना. नॉर्थ इंडियन थाली ली है, इसमें कढ़ी है और शाही पनीर और ये कुछ स्वीट डिश है और आलू गोभी और लच्छा परांठा और नान है. सामान यहाँ पे जो खाने का ऐसे ही मिलता है, इसी तरह का मिलता है, तो आपको काम चलाना पड़ेगा. अभी पहले काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट हुआ करते थे, लेकिन अभी उतने ज़्यादा रेस्टोरेंट है नहीं. अभी ये है कि जैसा है तो उस तरह से आपको खाना पड़ेगा. दोस्तों, आज का व्लॉग यही एंड करते हैं और होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा. मैंने होपफुली इन्जॉय किया होगा. काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ें हमने देखी हैं सारे अलग अलग कंट्रीज़ की. तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में. So see you in next vlog. Till then, bye bye. Take care. Have fun. Enjoy karo. Paje karo. Bye bye. See you. ये एक नया लेआउट है, तो इस तरह का कुछ ये बनेगा. ये बनने के बाद में नया जो प्रगति मैदान है उसका डिज़ाइन ये कुछ ऐसा रहेगा. तो ये बनने के बाद में कुछ ऐसा लगेगा इस तरह का. और बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल बनने जा रहा है ये प्रगति मैदान. इस तरह के हॉल होंगे और ऐसे फ्री ओपन स्पेस रहेगा.